नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल गादीपुर हरकेश बाईपास कप्तानगंज आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। आजमगढ़ जिले की सदर तहसील के बसगीत गाँव में चकबंदी हो रही है। इस दौरान कई विवाद भी उजागर हुए हैं। आपको बता दें कि जमीन की नाप जोख में लेखपाल द्वारा अनियमितता बरते जाने पर एक लेखपाल को निलंबित भी किया गया है। इसी बीच स्थानीय ग्रामवासियों ने आरोप लगाया है कि लेखपाल और कानूनगो पैसे और दबंगई के दबाव में आकर कुछ लोगों को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाना चाहते हैं। आज जब लेखपाल और कानूनगो चकबंदी करने जब गाँव पहुंचे तो गाँव वालों ने दोनों को बिठा लिया और उच्चाधिकारियों को बुलाने को कहा। सूचना पाकर मौके पर चकबंदी अधिकारी प्रथम जहानागंज पहुंचे, जहां प्राइमरी स्कूल में सभी ग्रामीणों ने अपनी अपनी शिकायतों को चकबंदी अधिकारी के सामने रखा। इसके बाद काफी समझाने बुझाने के बाद देर शाम को लोगों को छोड़ा गया। चकबंदी में कोई नियम है क्या कि कोई व्यक्ति विशेष अपना अपने मन मुताबिक अपना चक बनवा ले? मन मुताबिक तो नहीं है वह, लेकिन उनको जहाँ तक संभव है उनको अपने मूल घाटे पर चक दिया जाता है। तो फिर अगर मूल घाटे पे आप काम करें तो विवाद ही क्यों है? विवाद अब वो आप ये कहते हैं कि यहाँ से चक रोड नहीं जाना चाहिए, नाली नहीं जानी चाहिए, या उनके पास अनेक नंबर हैं तो कहीं पर वो अधिक चाहते हैं, कहीं पर कम चाहते हैं जो है। तो ये गांव वाले चाहते हैं? गांव वाले नहीं चाहते हैं, विशेष संबंधित चकदार चाहता है। गांव वालों का आरोप था कि पैसा लेके इनका गाटा इधर से उधर से किया जा रहा है। जिलाधिकारी के यहाँ लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया, इस पर क्या आपका कहना है? वो पैसा जहाँ तक बात है कि जो है इसका कोई प्रमाण नहीं है कि जो है कि पैसा चकबंदी वालों ने लिया जो है। रही बात यह है कि अगर उनकी आपत्तियाँ हैं तो वो सक्षम न्यायालय में बात दायर करें अपना या सर। एक इसके पहले प्रार्थना पर जिलाधिकारी महोदय दिया गया था लगाया था कि टेबल पर ही पैसा लिया जा रहा है इधर उधर चेक। उसके अंतर्गत जो है तत्कालीन जो है लेखपाल चकबंदी और जो भी स्टाफ रहा उनके खिलाफ कार्रवाई जो है कब्जा प्रवर्तन की कार्रवाई चल रही है। नहीं सर, क्या मैंने पहले जून से हो रहा है। अभी आप लोगों का लिया जाएगा जो है किया जा चुका है और वर्तमान समय में कतिपय जो है समस्याएं जनता द्वारा बताई जा रही है उसका निराकरण न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है आपत्ति दायर करने अथवा अपील दायर करने सक्षम न्यायालय में जो भी बात दायर किया जाएगा उसके तहत निस्तारण किया जाएगा। उसी को लोग जैसा कि यहाँ पे इतनी भीड़ एकत्रित है और आप बीच में बैठे हुए हैं, इससे तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ न कुछ तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि जिस तरह से आप लोगों को घेर के लोग खड़े हैं। लोगों का आरोप है कि पैसा लेकर कार्रवाइयाँ हुई हैं वो हम रफ्तार पर चिन्हित करा रहे हैं। यदि किसी को ऐतराज है तो वो किस चीज पे ऐतराज कर रहे हैं? ग्रामीण क्या है आबादी में ऐतराज कर रहे हैं अपने चकों के संबंध में जो है, मतलब उनको आवश्यकता से कहीं काम अथवा अधिक मिल गया है उसके संबंध में विचार कर रहे हैं। उसी को लेकर यहाँ विवाद चल रहा है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को पता चला है कि कानून को लेखपाल को बंधक बनाया गया है, ऐसा कुछ घटना यहाँ पे घटी? कानून लेखपाल हमारे हैं इसकी बात नहीं है, यह है कि गांव में ही ये लोग थे जो है जनता चकबंदी प्रक्रिया का विरोध कर रही है और उसके तहत जो है ये गाँव में थे, गाँव में विवाद है। आगे विवाद क्यों होने लगा? विवाद अगर आप सही तरीके से कर रहे थे तो गांव वाले विवाद क्यों? वो अपने भावनाओं के साथ जो है विवाद कर रहे हैं, मतलब कागज उनका सही नहीं है और भावना के नहीं, कागज में त्रुटियां हो सकती हैं जो है ये संभव, मतलब कागज में किसकी जिम्मेदारी है? कागज में जिम्मेदारियां जो है सबकी हैं जो है, ये हमने जो भी कार्रवाई की है चकबंदी के अंतर्गत उसको जो है हम
संबंधित आकार पत्रों का वितरण संबंधित खातेदारों को किया है, यदि उन्हें कोई आपत्ति है। मेरा सवाल है सीओ साहब, मेरा सवाल है कि जो कागज में गांव वालों की त्रुटियां हैं वो चकबंदी विभाग ही जिम्मेदार है कि कोई और जिम्मेदार है? नहीं, चकबंदी विभाग चकबंदी नियमों के तहत चकबंदी किया है और चकबंदी के अंतर्गत चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत जो है वाले हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य है वर्तमान। नाम गांव का नाम बताइए। ग्राम पंचायत बसवी। आप यहाँ के क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ये बताइए आपके यहाँ चकबंदी होनी थी, नपैया हो रही थी, क्या विवाद हुआ है यहाँ? सर जी, चकबंदी में सबसे पहले तो 5% कटौती किया गया और चकबंदी की एक समिति बनती है। जैसा कि सबको पता है चकबंदी समिति बनती है तो कौन अध्यक्ष है, कौन समिति के सदस्य लोग हैं, सबको जानकारी होनी चाहिए। एक भी गांव वालों को जानकारी नहीं है कि चकबंदी का अध्यक्ष कौन है, उसके समिति के सदस्य कौन है। सब गुप्त रूप से किया गया है, इससे साफ होता है कि ये लोग भ्रष्टाचार किया जा रहा है और आबादी कुछ लोगों को, कुछ जाति विशेष को आबादी दी जा रही है एकदम कुछ लोगों को। और आबादी आप सर्वे भी कर सकते हैं, जहाँ जहाँ छोड़ी गई है उसके अगल बगल किसी पैसे वाले का चक है या उसके दबंग किसी दबंग का चक है। किसी गरीब आदमी को या जिसको जरूरत है कहीं नहीं दी गई आबादी, और कहीं स्कूल कहीं पार्क के नाम पे या किसी देवालय के नाम पे सार्वजनिक जो भी आबादी है, लगभग 70% आबादी पर्सनल लोगों को दी गई है, 30% आबादी में रास्ता वगैरह जो भी है। और हम लोगों की मांग है कि सबसे पहले 5% जो कटौती हुई है उसको 2.5% किया जाए, चूंकि उतना पर्याप्त है। हमारे यहाँ गाँव में आबादी आज भी पर्याप्त है। क्या आज बंधक बनाया गया था लोगों को? जी सर, हम लोग आए सीओ लेखपाल और कानून को लोग आए तो लोग जा रहे थे नापने, हम लोग कहे आज आप तक नहीं छोड़ा जाएगा आप लोगों को जब तक आपके एसडीएम स्तर का कोई अधिकारी नहीं आए। बंधक कितने घंटे से बंधक बनाया? 10 बजे से बैठाए गए इन लोगों को। क्या चाहते हैं आप चकबंदी? हम लोग चाहते हैं कि चकबंदी हो तो पारदर्शी हो, नहीं तो निरस्त कर दिया जाए। डीएम साहब से भी यही मांग की गई। आरोप है लोग पैसा ले चेक की। हाँ, पैसा ले करके किया जा रहा है, इससे स्पष्ट है क्योंकि आबादी जो भी छोड़ी गई है किसी पैसे वाले के आसपास छोड़ी गई है। और यहाँ तक कि मान ली ट्यूबवेल किसी और का है वहाँ किसी और को दे दिया गया है। यहाँ तक कि 1967 से एक गरीब महिला है, उसका 1967 से घर है और सर्वे में उसको नहीं दर्शाया गया कि यहाँ घर है। अच्छा, ये बताइए सर जी कि क्या मौजूदा प्रधान भी इस कृत्य में सम्मिलित है क्या? सर जी, देखते हुए तो यही कहा जा सकता है, चूंकि जब यहाँ टेबल लगा के पर्चा 23 का पैसा लिया जा रहा था, बगल में प्रधान जी बैठे थे, उसकी वीडियो आज भी मौजूद है। वो आपत्ति करनी चाहिए थी उनको। अब वो जो भी है वीडियो अगर आपके सामने, हम प्रतिनिधि हैं, मैं गारंटी देता हूँ सर जी कि आज तक कोई एक वीडियो दिखा दे कि कोई सरकारी कर्मचारी मेरी उपस्थिति में मेरे गांव वाले से एक पैसा कोई लिया। और भ्रष्टाचार का मैं 100% विरोध करता हूँ। अगर इसका अगर नहीं चकबंदी प्रक्रिया को रोका गया तो इसको जिस स्तर से भी लड़ना होगा हम लड़ेंगे। जनता हमारे साथ है और जनता न्याय चाहती है और न्याय सबको मिलना चाहिए। को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।